साथियों, आप कई दिनों से टेलीविज़न पर, अखबार के पन्नों पर ज्ञान वापी में जो भोलेनाथ प्रकट हुए हैं उसके समाचार आप सुन रहे होंगे। साथियों, इस पर मैं भी कुछ अपने मुस्लिम भाइयों से कुछ कहना चाहूँगा। साथियों, ये जो आम मुसलमान हैं ये कहीं अरब से ही नहीं आए हैं, ये मेरे ही भाई हैं। और जो इनका कहना है कि औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का जो अरब का मजहब था वो इन्हें काफ़ी पसंद आया। कुरान में प्यार मोहब्बत जो लिखा हुआ है वो इन्हें काफ़ी पसंद आया और इन्होंने औरंगजेब के मजहब को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने हिंदुत्व का त्याग कर दिया। मैं अपने ऐसे विदेशी मजहब अपनाने वाले भाइयों की मुखालफत नहीं करता। साथियों, मैं मुखालफत उस इस्लाम की करता हूँ जो गैर मजहबी के लिए क्रूरता और इस्लाम छोड़ने वाले को वाजिब कत्ल का आदेश देता है। साथियों, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि ज्ञान वापी में नमाज पढ़ने वाले मौलवियों से, बाकी आपको माजरा क्या है वो अच्छी तरह से पता है। तो साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक जो नमाज ये मौलवी वहाँ पढ़ते रहे, क्या उनकी नमाज मुकम्मल हुई? और आज ये क्या हो गया कि उसी परिसर में नंदी के सामने भोलेनाथ प्रकट हो गए? साथियों, जिस ज्ञान व्यापी को तुम मस्जिद बता रहे थे वहाँ ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ निकल आए, जिन दीवारों को तुम मस्जिद बता रहे थे वहाँ त्रिशूल, कमल पुष्प और हाथी निकल आए, जिस भूमि को तुम मस्जिद बता रहे थे सब के सब मंदिर निकले। मतलब हम कह सकते हैं कि आप वजू करने गए और वहां पर भोलेनाथ आपके गले पड़ गए, फिर हो गई नमाज। जमीन भोलेनाथ की, भवन भोलेनाथ का, वजू का जल वो भी भोलेनाथ का, जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा भोलेनाथ का। और वहां तुम लोग देख समझकर भोलेनाथ का ही सजदा करते रहे, यही तुम्हारा इबादत है? मतलब जिस इमारत को मस्जिद मानकर अल्लाह से तार जोड़ते रहे वो इमारत स्वयं बाबा भोलेनाथ से तार जोड़कर बैठी थी। मतलब वो सैकड़ों वर्षों की, हजारों नमाजियों की, करोड़ों अरबों नमाजें सब की सब बेजा हो गई, व्यर्थ चली गई, हराम हो गई, एक भी मुकम्मल न हो सकी। मतलब ईमान भी मुकम्मल न हुआ होगा। कितनी जौहर की नमाज, कितनी असर की नमाज, कितनी मगरिब की नमाज, कितनी ईसा की नमाज आपने वहां पढ़ी जो बाबा विश्वनाथ का घर है, मतलब मंदिर में पढ़ी। आपका तो आपकी सभ्यता में बुतों के हटाने पर जोर था और आपने बुतों को ही पूजा कर लिया, उनकी बुत के आगे ही सजदा करते रहे, झुके तो बुत के आगे और उठे तो बुत के आगे। जिन देखा तिन, मतलब बुत पाइया। साथियों,
बार बार ये बात कही जाती है 1991 का पूजा स्थल का कानून जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। साथियों, मैं भारत की पूरी जनता और पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूं कि क्या 1991 का पूजा स्थल कानून इस बात की इजाजत देता है कि जो मुस्लिम हैं उन्होंने बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ पर 15 अगस्त 1947 को थूका था, नाक छिड़की थी, उस पर कुल्ला भी किया था, तो क्या ये कानून ये इजाजत देता है कि स्टेटस न बदला जाए और वो बाबा भोलेनाथ पर आज भी थूकते रहें, नाक छिड़कते रहें और कुल्ला करते रहें? साथियों, ये कानून है या हिंदू आस्था के साथ कांग्रेस का किया गया एक मजाक? और आज ये बड़े दम के साथ जो लोग कहते हैं कि 1991 के कानून जो पूजा स्थल कानून है वो क्या किसी की आस्था को कुचलने के लिए बनाया गया है? साथियों, आप ये ध्यानपूर्वक सोचें और समझें भी। शिवलिंग को फव्वारा बताने के लिए मक्कारी से ऊपर से जो सीमेंट चिपकाई गई वो साफ साफ दिखती है, उसकी पपड़ी बिल्कुल अलग नजर आती है। ये सीमेंट का काम ज्यादा पुराना नहीं लगता और चादर के हिसाब से ये फव्वारे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। साथियों, जब किसी चीज का निर्माण किया जाता है तो उसका रंग लगभग एक जैसा होता है, तो नीचे काला और ऊपर सफेद क्यों है? ये नीचे काला और ऊपर सफेद इसलिए है क्योंकि नीचे वाला हिस्सा शिवलिंग का है जो पत्थर का बना हुआ है और काफी प्राचीन और पुराना है, जबकि सफेद वाला हिस्सा सीमेंट का है जो फव्वारा बताने के लिए कुछ दिनों पहले ही किया गया है। साथियों, पहले मंदिर तोड़ा, उसके बाद इस शिवलिंग की जगह को बजूखाने में तब्दील कर दिया ताकि उसका लगातार अपमान कर सके और अपने मजहब की ताकत पर खुश हो सके, जो आज भी कर रहे हैं। अब जब चोरी पकड़ी गई तो मक्कारी के साथ शिवलिंग से छेड़छाड़ कर उसे फव्वारा बताने का काम शुरू कर दिया है। साथियों, ऐसे लोगों ने यह साबित कर दिया है कि इनसे घटिया और इनसे लुच्चा ब्रह्मांड में कोई हो ही नहीं सकता। तो साथियों, झूठ पर इमारतें खड़ी करने को गलत कहना सीखना होगा और गलतियों को सुधारने की खुद से पहल करनी होगी। यकीन मानो मुसलमानों, तब तुम्हारी नमाज भी कबूल होगी और तभी तुम्हारे सजदे भी ऊपर वाले तक पहुंचेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।